हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैद्युत विभव जो आवेशी चालक होते हैं उनका एक गुण होता है, ये गुण आवेश का जो प्रवाह होता है उसकी दिशा को निर्धारित करता है। जब हम एक आवेशी चालक को किसी दूसरे आवेशी चालक के साथ जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आवेश का जो प्रवाह है एक चालक से दूसरे चालक की ओर होता है, यह निर्धारित करता है उन दोनों चालकों पर विभव। तो विभव से हम ये निर्धारित करते हैं कि जो आवेश है आवेश किस चालक से किस चालक की ओर प्रवाहित होगा। तो विभव को हम कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। हमारे पास ये कोई चालक है, आवेशी चालक जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इस आवेशी चालक से कुछ दूरी पर हमारे पास कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट ए पर हम विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो विभव ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो जो अनंत पर है उसको अनंत से बिंदु ए तक लाते हैं। बिंदु ए तक लाने में हमें वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो जब हम इसको इसके वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। वो ही कार्य और जितना हम आवेश लाए हैं उन दोनों का जो अनुपात है वो इस बिंदु पर विभव कहलाता है। यानी कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्लू तथा परीक्षण आवेश जो हम लाए हैं उन दोनों का जो अनुपात है वो उस बिंदु पर क्या कहलाता है, हमारा विभव कहलाता है। ये हमारा विभव होगा। तो विभव का जो फॉर्मूला है वो होगा डब्लू अपॉन क्यू जीरो। डब्लू क्या है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में क्या का कार्य है, और क्यू जीरो क्या है, जो हम आवेश जो है लाए हैं। अब इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। डब्लू क्या है, डब्लू जूल है, क्यू जीरो क्या है, कूलाम है। तो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट भी कहते हैं, जूल प्रति कूलाम या इसको वोल्ट भी कह देते हैं। हम इसका विभव का विमय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। जूल की विमा क्या होती है, जूल का विमय सूत्र होता है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और जो कूलाम है कूलाम का विमय सूत्र होता है हमारा ए टी। अब हम इसको हल करते हैं, एम एल की पावर दो टी की पावर ये एक है नीचे ऊपर जाते माइनस की हो जाएगी थ्री और ए की पावर माइनस वन, ये हमारा विमय सूत्र हो गया। अब हम इसका मात्रक जो है मूल मात्रकों के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। मूल मात्रकों के पदों में कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबके मूल मात्रक रख देते हैं। एम क्या है, एम है हमारा किलोग्राम, एल क्या है मीटर स्क्वायर प्रति, टी क्या है हमारा सेकंड की पावर तीन, और ए क्या है हमारा एम्पियर। तो इस प्रकार हम मूल मात्रकों के पदों में भी इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है उसको वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसको ज्ञात करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है परिभाषा है वो क्या होगी उसको भी हम प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास ये कोई वैद्युत क्षेत्र है प्लस क्यू चार्ज है, ये वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास कोई पॉइंट है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। हमें ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें ए पर विभव ज्ञात करना पड़ेगा और बी पर विभव हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और उनका अंतर करते ही हमारे पास ए बी के बीच विभवांतर मिल जाएगा। तो हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है जो कहीं पर है अनंत पर है, इस प्लस क्यू जीरो चार्ज को हम ए तक लाते हैं और इस प्लस क्यू चार्ज को हम कहां तक लाते हैं, बी तक लाते हैं। तो ए तक लाने में क्या का कार्य है और बी तक लाने में क्या का कार्य हम ज्ञात करते हैं। बी तक लाने में क्या का कार्य है, हमने लिख लिया डब्लू अनंत से कहां तक, बी तक का कार्य, और ये कार्य होगा हमारा डब्लू अनंत से कहां तक का कार्य, ए तक का कार्य। अब ए पर विभव ज्ञात करते हैं, ए पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे हम, वी ए पर विभव क्या होगा, विभव की परिभाषा से बताता परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। यह हमारा वी ए की वैल्यू निकल गई। अब वी बी निकालते हैं, वी बी क्या है, इसी परीक्षण आवेश को बी तक लाने में क्या गया कार्य और परीक्षण आवेश
क्यू जीरो के अनुपात को। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है हमारा अनंत टू बी, अनंत से बी तक का कार्य अपॉन क्या होगा क्यू जीरो। हमें ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, इनके विभव का अंतर। अभी देखते हैं इनमें से कौन सा विभव हमारा अधिक है, कौन सा विभव क्या हमारा कम है। तो ए पर विभव क्या है, ए पॉइंट पर विभव ज्यादा है क्योंकि यहां से यहां तक का जो कार्य है वो क्या है ज्यादा है, और यहां से यहां तक का कार्य क्या है हमारा इससे कम है। तो इसलिए ए पर विभव ज्यादा होगा, बी पर विभव क्या होगा हमारा कम होगा। और ये बात भी क्लियर हो चुका है, अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा उसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाएंगे तो जैसे जैसे वो आवेश की तरफ जाएगा वैसे वैसे हमारा जो है विभव वो है बढ़ता हुआ जाएगा। तो अब हम विभव याद करते हैं, ए बी के बीच विभवांतर, इसको हम लिख देंगे वी ए माइनस वी बी, क्योंकि बी ए पर क्या है हमारा विभव ज्यादा है, बी पर हमारा कम है। वी ए माइनस वी बी, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए क्या है हमारा, वी है हमारा डब्ल्यू इन्फिनेटिव टू ए अपॉन क्यू जीरो माइनस डब्ल्यू इन्फिनेटिव टू बी अपॉन क्यू जीरो। ये क्या है कार्य, इसको देखो हम, ये अनंत से ए तक का है और उसमें से अनंत से बी तक का कार्य घट रहा है। अनंत से ए तक का कार्य हमारा ये है और अनंत से बी तक का कार्य हमारा ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी से ए तक का कार्य है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी ए, बी से ए तक का कार्य और अपॉन क्या होगा हमारा क्यू जीरो, ये होगा हमारा वी ए माइनस वी बी। तो विभवांतर क्या होगा हमारा, विभवांतर होगा हमारा किन्हीं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या का कार्य है जो है, और परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होगा वो उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या है हमारा विभवांतर कहलाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र में इस बी से ए तक ला रहे हैं तो हमारा ए पर विभव ज्यादा होगा, उसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इजकल टू डब्ल्यू बी ए बी ते बी से ए तक का कार्य अपॉन क्यू जीरो। मात्रा क्या है, डब्ल्यू का मात्रा जूल है और क्यू का मात्रा क्या है कूलाम, जूल प्रति कूलाम होगा, जूल प्रति कूलाम को हम क्या कह सकते हैं वोल्ट भी कह सकते हैं। ये हम फॉर्मूला पर आधारित जो है कुछ अंक के क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है 3.4 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 5 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हमें क्यू की वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू दी है हमें 3.4 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, और कार्य दिया है डब्ल्यू इजकल टू 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 5 जूल। हमें विभव ज्ञात करना है, विभव का आपने फार्मूला पढ़ा है, v बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू क्या है हमारा 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 5 अपॉन ये हमारा 3.4 गुणा 10 की पावर माइनस 7। सोल्व करते हैं, सोल्व करने के तरीके को आप ध्यान से देखेंगे, पॉइंट से हम पॉइंट कैंसिल हो सकता है क्योंकि एक डिजिट पर ये था 17 × 34 1/2 और 10 की पावर कितनी बच गई, माइनस की 5 है और प्लस ऊपर जाते 7 हो जाएगी, प्लस की 2 बच गई, प्लस की 2 का मतलब होगा 100, 100 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 100, 100 बटे 2 क्या आ गया 50, और इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट, तो ये हमारा आंसर आ गया 50। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यदि दो बिंदु ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हमारे पास दो बिंदु आवेश है, हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए पर हमारा 2 वोल्ट का विभव है और बी पर हमारा 4 वोल्ट का विभव है, और 8 माइक्रो कूलाम का हमारे पास आवेश है जिसको हम ए से बी तक ले जाने में क्या का कार्य ज्ञात करना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था वी बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था वी बी माइनस वी ए इजकल टू क्या होगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, यानी कि अगर हम ए से बी तक ले जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी आएगा क्योंकि बी पर विभव ज्यादा होगा, तो चार में से दो गया बच गया हमारा 2, और डब्ल्यू ए बी हमें ज्ञात करना है और क्यू का मान हमें दिया है, तो इसको हम 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम में चेंज कर सकते हैं, तो कार्य डब्ल्यू ए बी आएगा 8 दुनी होगा हमारा 16 गुणा 10 की पावर माइनस 6, कार्य का मात्रक होता है जूल। अगर किसी में से हम 10 की पावर माइनस 6 को उठाएंगे तो माइक्रो आ जाएगा 16 माइक्रो जूल, इसका यही तुम्हारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन 3 है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आवेश ले जाया जाता है, कितना कार्य करना होगा। डेल्टा वी जो विभवांतर है, विभवांतर को डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी का मान कितना है हमारा 60 वोल्ट है,
और क्यू की वैल्यू जो है हमारी 3×10⁵ कूलाम है। हमें कार्य ज्ञात करना है, कार्य डेल्टा वी विभवांतर बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा वी गुणा क्यू। डेल्टा वी क्या है हमारा, डेल्टा वी का मान 60 है, 3×10⁵ है, गुणा करते हैं 36 18 180×10⁵ होगा। पॉइंट एकक के बाद होनी चाहिए, पॉइंट को हमने एकक के बाद लगा दिया। हमने बताया था जितने डिजिट हम पॉइंट इधर खिसकाते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट नहीं थी, हमने दो अंक पे पॉइंट लगाया, तो उतनी ही पावर क्या है हमारी प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.8×10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, वैद्युत विभवांतर वी बी माइनस वी ए ज्ञात कीजिए। क्यू इज इक्वल टू है हमारा 0.01 कूलम, और ए से बी तक ले जाने में कार्य डब्ल्यू ए बी वो है हमारा 12 जूल। हमें विभवांतर ज्ञात करना, तो विभवांतर को हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। अगर हम ए से बी तक ले जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का मान है हमारा 12 और यह है 0.01। एक दो अंक पे नीचे दो अंक पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या दो जीरो बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 1200/1 कितना आ जाएगा 1200, और मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है वोल्ट। एक अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। एक अल्फा कण, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपको याद रखना है 3.2×10⁻¹ कूलाम। कार्य ज्ञात करना है और हमें दिया है वी, इतने वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, वी इक्वल टू दे रखा है हमें 10 वोल्ट। हमें W ज्ञात, आपने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर होता है हमारा W अपॉन Q, हमें W ज्ञात करना है, W बराबर होता है VQ, V की वैल्यू है हमारी 10, यह 3.2×10⁻¹⁹। अब ये 10 का मतलब क्या है, इसकी 10⁻¹ है, ये इसमें ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 3.2×10⁻¹⁹ प्लस 1, तो 3.2×10⁻¹⁸, और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल। इस प्रकार ये तुम्हारा क्या आंसर है, इसे हमारा 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर कितना विभव होगा। 5 कूलाम आवेश, क्यों इक्वल टू है हमारा 5 कूलाम, एक बिंदु तक दूसरे तक ले जाने में क्या का कार्य डब्ल्यू बराबर है हमारा 25 जूल। इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं और पहले बिंदु पर जो विभव है वो हमारा 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु पर विभव हमें ज्ञात करना है। क्यू दिया हमें 5 कूलाम का और डब्ल्यू दिया है हमें 25 जूल, और इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं, तो दूसरे बिंदु पर जो विभव है वो ज्यादा होगा, पहले बिंदु पर विभव क्या होगा हमारा कम होगा, तो हमें पहले बिंदु पर विभव दिया है, तो पहले दूसरे बिंदु पर विभव हमने मान लिया क्या होगा हमारा वी बी, और पहले बिंदु पर विभव जो है हमारा वो वी ए मान लिया, और वी ए का मान हमें कितना दिया है वो 10 दिया है, इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया हमारा क्यू, डब्ल्यू का मान है 25 अपॉन क्यू का मान है 5, 5 से कैंसिल हो गया 5, ये 10 इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, वी बी इक्वल टू 5 प्लस 10 कितना आएगा हमारा 15, तो याद रखिए जो दूसरा बिंदु है उस पर विभव होगा हमारा 15 वोल्ट।